वेटरन एक्ट्रेस पूनम धिल्लो 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मोह लेने वाली मुस्कान की मालकिन पूनम धिल्लन की खूबसूरती पर लाखों फिदा थे। पूनम ने 1977 में फेमिना मिस इंडिया यंग का खिताब जीता था और इसी के साथ वो रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बाद पूनम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूली दिनों में ही वे बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग स्किल और खूबसूरती से हर दिल में जगह बना ली। पूनम काफी बोल्ड भी थी और उन्होंने उस दौर में स्विम सूट पहनकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। पूनम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थी। एक्ट्रेस को जब यह पता चला कि उनके पति का किसी और से अफेयर था, तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था। काला पत्थर और नूरी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी पूनम धिल्लन ने अपने फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्में की है। एक्ट्रेस का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। बचपन से ही लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे, जिसके चलते उन्हें स्कूल के दिनों में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। साल 1977 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पूनम मॉडलिंग के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल ऑफर की। पहले तो एक्ट्रेस ने पढ़ाई का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों के मनाने पर एक्ट्रेस राजी हो गई। फिल्म करने के लिए पूनम ने शर्त रखी कि वो गर्मी की छुट्टियों में ही शूटिंग करेगी, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। 1978 में पूनम की फिल्म त्रिशूल रिलीज हुई और सफल रही। इसके उनके को स्टार सचिन पिलगांवकर थे। इस फिल्म के गीत गपुची गपुची गम गम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पूनम यश चोपड़ा के घर में ही रहती थी। मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली पूनम ने कई सफल फिल्में दी। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। पूनम जब 10वीं साल में थी, तब वे फिल्म त्रिशूल से स्टार बन चुकी थी। वो कितनी बोल्ड थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली ही फिल्म में उन्होंने स्विम सूट पहना था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म गिरफ्तार में भी स्विम सूट में नजर आई थी। अपने 10 साल के सफल फिल्मी करियर बाद पूनम ने 1988 में फिल्म मेकर अशोक ठकारिया से शादी की। अशोक और पूनम का एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि दोनों ने 1997 में तलाक ले लिया। अब पूनम अपने पति का घर छोड़कर बच्चों के साथ अलग रहती है। पति की बेवफाई पर खूब आंसू बहाने के बाद पूनम ने अशोक का सबक ठिकाने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। हालांकि यह सिर्फ पति को सबक सिखाने के लिए था, लेकिन बाद में जब अशोक और पूनम के रिश्ते में आई दरार किसी भी तरह नहीं भर पाई, तो एक्ट्रेस ने कठोर फैसला किया और पति को तलाक देने का कदम उठा लिया। 1997 में पूनम और अशोक का तलाक हो गया था। इसके बाद पूनम को ही दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। पूनम ने अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। अशोक ठकेरिया जब बने हम सफर, इसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा और उनकी पत्नी की तरफ से आयोजित होली पार्टी में पूनम की मुलाकात अशोक ठकेरिया से हुई। यह वो दौर था जब पूनम ने कुछ ही दिनों पहले अपने पिता को खोया था। गुमसुम और उदास पूनम को उस दौरान अशोक ठकेरिया ने कंधा दिया। दोनों के बीच करीबी बढ़ी और दोनों ने शादी भी कर ली। कुछ दिनों तक दोनों की शादी ठीक ठाक चली। शादी के बाद दोनों का एक बेटा और एक बेटी हुए, लेकिन उसके बाद अशोक पूनम को समय नहीं देने लगे। पूनम को इससे शिकायत होने लगी। पति को सुधारने के लिए खेला था दाव। साल 1994 में पूनम को पता चला कि उनके पति अशोक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस खबर से पूनम टूट गई। पति को लाइन में लाने के लिए उन्होंने एक दाव खेला, लेकिन यह दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया। पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। 1997 में पति से लिया तलाक। पूनम को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से उनके पति को सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साल 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक ले लिया और दोनों बच्चे की कस्टडी अपने पास ले ली। पति से अलग होने के बाद पूनम अपनी निजी जिंदगी में संभालने की कोशिश करती रही और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने में लगे रही। पूनम को कई बार राजनीति में आने का मौका भी मिला।
कुछ समय के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी की, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। वे कई बार बीजेपी के लिए प्रचार कर चुकी है। साल 1994 में पूनम के पति अशोक का शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला से अफेयर था। जब पूनम को इस बारे में खबर हुई तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, जिससे उनके पति को अपनी गलती का एहसास हो सके। इसके बाद एक्ट्रेस ने पति से तलाक ले लिया। एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत में यश चोपड़ा के घर में रहा करती थी। दोनों के ज्यादा समय साथ गुजारने को लोगों ने उनका रिश्ता समझ लिया और यह खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। बाद में एक्ट्रेस ने खुद इन बातों को महज रूमर्स बताया था। 1980 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात राज सिप्पी से हुई। दोनों एक दूसरे को दिल बैठे, मगर राज पहले से ही शादीशुदा थे। पूनम इसके बावजूद राज से शादी करना चाहती थी, हालांकि डायरेक्टर अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके। बाद में पूनम ने राज से किनारा ले लिया। फिल्मों से दूर होने के बावजूद पूनम छोटे पर्दे पर लगातार सक्रिय रही है। फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने थिएटर भी किया। पूनम बिग बॉस सीजन 3 की कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी है, जहां वो सेकेंड रनर अप रही थी। वे प्रभुदेवा की फिल्म रमैया वास्तवाया में नजर आई थी। छोटे पर्दे पर उनका शो एक नई पहचान भी काफी लोकप्रिय रहा है। साथ ही वे एक सफल बिजनेस वुमन भी है। वे वैनिटी नाम की सफल मेकअप कंपनी चला रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।